खुद को कठुआ कहने पर गर्व करने वाला एक्स एमएलए, एक्स मंत्री यासर शाह कुछ दिनों से अचानक सोशल मीडिया ट्विटर पर काफी चर्चा में है। चर्चा कैसी चली है आपको बताते हैं। कभी सुनील सिंह जो कहता है मुसलमानों की मां बहनों को कब्रों से निकालकर बलात्कार करेंगे, आज मुलायम सिंह अखिलेश यादव उसको गले लगाता है। जो साक्षी महाराज कहता है बाबरी मस्जिद मैंने तोड़ा है, मैं फख्र करता हूँ, समाजवादी उसको अपने गले लगाती है। जो चीफ मिनिस्टर किस मुख्यमंत्री काल में बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसको समाजवादी अपने गले लगाती है और फिर कहती है मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमान बीजेपी और सपा दोनों एक दूसरे के जीते बट्टे हैं। साथियों, हमारे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम एक्स एमएलए मंत्री से मिलाते हैं जिन्हें लोग दरी गैंग का कार्यकर्ता कह रहे हैं। आपको बता दें कि यासर शाह आमिर घराने से आते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, समाजवादी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता है, जिस पार्टी के दौरे हुकूमत में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ जिसमें 75 लोग मारे गए, 11 लोगों की लाश आज तक नहीं मिली, 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त यासर शाह अपने पार्टी मुखिया के साथ जश्न मना रहे थे। लग्जरी लाइफ जीने वाले यासर शाह ने फिलहाल मुसलमान नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर जंग छेड़ रखी है। आए दिन खुद को कटुआ कहने वाले यासर असदुद्दीन ओवैसी, महमूद मदनी जैसे लोगों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। बीजेपी पर टिप्पणी बैलेंस बनाने के लिए करते हैं क्योंकि उनके नेता का बीजेपी से कान में धीरे से फुसफुसाने वाला रिश्ता है। हमने यासर शाह की प्रोफाइल खंगाली तो पता चला कि ये मानसिक बीमार है। खुद की उपलब्धियां गिनाने, खुद के दौर में किए विकास का ब्यौरा देने के बजाय दूसरों की आलोचना करने में अपना सारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। That he just wouldn't answer any questions from NDTV. Take a look. अरे आपसे तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो क्या, चलो जाओ। अब जाओ पीछे खड़े थे वही अच्छे लग रहे थे, जाओ उधर पीछे अच्छे लग रहे थे वहां खड़े हुए। नहीं मैंने जवाब दे दिया, अब नहीं बोलेंगे, पीछे चलिए पीछे चलिए पीछे, वहाँ खड़े थे आप, अच्छे लग रहे थे वहाँ से। आप अगर गौर करोगे तो पता चलेगा कि भाजपाइयों का एजेंडा विरोध करो चुनाव जीतो, और दीगर पार्टियों के लोग अपने किए कामों को पब्लिक के आगे रखते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। यासर शाह ने जो बहस छेड़ी है उससे मुस्लिमों की बड़ी तादाद उनके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि बड़ी बड़ी हांकने वाले समाजवादी के यासर शाह करीब मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को मिलने गए, ना ही उनकी कोई मदद की। 2000 किलोमीटर दूर से असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंच चुके थे, यासर शाह उनके विरोध में जहर उगलते नजर आ रहे हैं। जमात के मौलाना मदनी ने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया कराई, यासर शाह उनके खिलाफ भी जहर उगलते दिखाई दे रहे हैं। यासर शाह ने अपने एमएलए और मंत्री के दौर में कोई खास विकास नहीं किया, इसीलिए आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लोगों का मानना यह भी है कि बिहार के शहाबुद्दीन, यूपी के आजाम खान, नूह के दानिश अली के बाद यासर शाह का नंबर है, इसीलिए यासर शाह वर्तमान सरकार को अपना कट्टर लिबरलिज्म दिखाकर बाढ़ आने से पहले रास्ता बनाने की कोशिश में लगे हैं। उम्मीद है यासर शाह लोगों के विरोध को देखते हुए अपने कार्यकाल में किए गए विकास और मुजफ्फरनगर दंगों में मारे गए और 50,000 विस्थापित मुसलमानों के साथ मोदी जी के कान में फुसफुसाने वाले नेताओं के साथ मिलकर किस तरह न्याय किया और उनका क्या विकास किया, इसका ब्यौरा भी सोशल मीडिया पर अपडेट करेंगे। और हाँ, एक बात और, भारत में जितने भी मुसलमान नेता लोग हैं वे अपनी अपनी पार्टियों के बिचौले हैं, मुसलमानों का वोट लेकर अपनी पार्टियों को बेचते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत 70 साल में मुसलमानों के दलितों से बदतर हालात है। ये हालात जानने के लिए सच्चर कमीशन की रिपोर्ट एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। अगले वीडियो में और अंदर की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लगातार अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहे। आप देख रहे हैं SD24।